बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने कहा यार, मैं वीडियोस में ना यार नवीद भाई, अगर हम वहाँ उम्रे करने के लिए हैं, कितने उम्रे वगैरह करने चाहिए? भाई अल्लाह पाक जितनी तौफीक दी उम्रे यहाँ करते जाओ। और लोग कहते हैं, मुझे वहाँ पर दोस्त मैसेज करके कहते हैं, नवीद भाई हम लोग ना आते हैं तो तवाफ़ वगैरह करते रहते हो, हमें यहाँ का उम्रे का पता नहीं, जो करीब में कहाँ से हम मीकात में जाएँ, कहाँ से हम वो अपना आराम पहने और अगला उम्रा करें। भाई मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ बहुत करीब, अगर आप यहाँ कहीं जाना चाहते हो मस्जिद आयशा की तरफ जाएं, वहाँ पे मीकात में जाएं, वहाँ पे अपना आराम चेंज करें, मैं आपको मस्जिद आयशा दिखाता हूँ। अगर आप टैक्सी में जाएंगे तो अच्छे खासे लोग पैसे ले लेंगे। मैं आपको ऐसी बस सिखाऊँगा, वो आपको फ्री में लेके जाएगा, फ्री में लेके आएगी। मैं आपको गेट नंबर बता देता हूँ, मैं किस गेट नंबर से आपको निकलना है। बैक साइड पर ही है गेट नंबर, जूम करके बता दो, 78 है। 78 से हम निकलते आएँगे आराम आराम से। लोग आ रहे हैं यहीं से, आते 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 सीधा हम जाएंगे सामने, आपको कोई रेस्टोरेंट नज़र आ रहा हो। ये है बॉस जो टैक्सी वगैरह से है, टैक्सी ये सारे टैक्सी वाले हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा यहाँ पे कौन है, वो बस वाला कहाँ पे है, जो यहाँ लेके जाएगा मस्जिद आयशा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ किसी से पूछोगे वो नहीं बताएँगे आपको। ये आपके सामने है रेस्टोरेंट, यही बिल्कुल रोड, यही देखो कभी मुझे ऐसा ऐसा कह रहे क्योंकि ये उनको पता है ना, उनको पता है ये बंदा भी वहीं जा रहा है। ये बिल्कुल रोड सीधा स्ट्रेट अप पकड़ेंगे, पुल से ऊपर से चलते रहेंगे। जैसे एक गड़ी भी गाड़ी पर ये पैसों वाली है नहीं, से आगे मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे आपको जाना है। बहुत से लोग यहीं पर आते हैं, यहीं से जाते हैं आराम से मस्जिद आयशा, अपना मिकात वगैरह वहीं पर आराम वगैरह रहते हैं, फिर वापसी में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको उम्रा कर देते हैं। और मैं भी आपको आज बस दिखा देता हूँ, जिस बस में आपको जाना है, जो फ्री में आपको लेके जाएगी। जब मैं मस्जिद आयशा की तरफ जाने में जा ही रहा था, मैं बोला एक जो हजूर पाक सलम के टाइम पे जो जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था, मैं आपको वो जगह भी दिखाते हुए दिख जाऊँ। ये वो मकाम है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना यहाँ जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था, ये वो जगह है। इन्होंने ये जगह छोड़ दी है, ये वो जगह है, ये पुल के साथ में ही है। और अभी हम चलते हैं फिर मस्जिद आयशा की तरफ, क्योंकि यहाँ सारे खड़े हुए हैं ना, ये सारे टैक्सी वाले हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं बताएगा मस्जिद आयशा को, बस जाएगी ये खुद अपने चक्करों में लगे रहेंगे। अच्छा आपको ना, मैं तो वीडियो बनाने के लिए गया था ऊपर, मैं आपको दिखाने के लिए गया था क्या कहते हैं टैक्सी वगैरह, क्योंकि आप ऊपर नहीं चले जाना, वापस नीचे आना। ये शुरमा वाला जो है कोने पर रेस्टोरेंट है, यहाँ हमें तिर गली से आएँगे वापसी की तरफ, यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे। अहराम बांधने के लिए ना तीन जगह हैं, एक तो हमने वो मदीना से वापसी में आते हुए वहाँ से हम लोग एक अपने अहराम पहन लेते हैं, और दूसरा कि यहाँ अभी आयशा मस्जिद जा रहे हैं, तीसरे का मुझे याद नहीं है, और वो भी करीब ही है फिलहाल मेरे ख्याल से। अपने वहाँ से बाद लोकल सी मार्केट लग जाती है, ये भी रास्ते में आपको दिखती हुई नज़र आएगी। जब भी अगर आप लिख लें मस्जिद आयशा की जाने में ना, ये भी आप देखो, चप्पल है, पत्थर है, सुपरस हैं, कुछ घड़ी हैं यहाँ पर, यहाँ लेडीज़ घड़ी हैं, यहाँ आप आए हैं। ये आपको सब नज़ारे होते हुए जाएंगे यहीं से, कोई कपड़े बेच रहे हैं आपके सामने देख रहे हो, ये छोटी मोटी मार्केट है भाई, जो लोकल मार्केट होती है, वहीं के रेट भी कम ही है। अगर वहाँ से आप लेंगे तो दुकान से, तो आपको पता है डबल रेट पर, ये बच्चों के छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह। ये आपको नज़ारे होते हुए जाएंगे यहाँ से, ये सुबह का वक्त है, ये फजर की नमाज के बाद, ये सारे नमाज पढ़ के लिख लें और यहाँ पे हर एक से एक चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। अच्छा आप ये आराम ना घर से ही पहन के आ सकते हैं, या तहरी में डाल के आराम को आप मिकात में जाके मस्जिद आयशा में वहाँ भी तब्दील कर सकते हैं। मैंने इसलिए घर से पहन के मैं लेकर आया, मैं मेरा अब कौन टाइम फिर लगाए वहाँ फिर चलिए कौन पकड़े घुमाता रहे, मैं वो घर से पहन के मैंने चलो चलते हैं। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप उठा सकते हो उठा लेना, मर्जी आप लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को पता भी नहीं है, यहाँ आते हैं एक उम्रा करते हैं, वो बेचारे फिर तवाफ़ करते रहते हैं,
और उनको कोई बताता भी नहीं है, यहाँ गरीब में भी कोई है बंदा वहाँ चला जाए और पूरा मुकम्मल उमरा कर ले। और इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि लोग मुझे मैसेज कर भी रहे थे, यार यार नवीद भाई हम आते हैं, हमने एक उमरा किया और हमारे गरीब को कोई पता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है भाई, आप बताएगा कोई भी नहीं, आप बोले वो टैक्सी वाला बोले आप बैठ जाओ मैं ले जाऊँ तुम्हारे को, इसी क्योंकि टैक्सी वाले भी यहाँ अरबी हो गया पाकिस्तानी हो गया, ये छोड़ते नहीं है किसी को भाई। मैं ही फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सही छुरियाँ तेज़ की हुई होती उन्होंने। बस मैं ये पीछे मेरा रोड नज़र आ रहा होगा, मैं ही हम अभी आते हुए जा रहे हैं, बस ये वही मैंने ट्रैक पकड़ा हुआ अभी तक क्योंकि शेड ही है, बस पहुँचने वाली है, थोड़ा सा ही रह गया 2 या 3 मिनट का रास्ता, मैं आपको दिखाता हूँ बस। क्योंकि ये ट्रैक मुकम्मल ख़त्म हो ही गया है, यहाँ तक हम आए तो ये सामने आप भी यहाँ देख सकते हैं वो सामने खड़ी हुई है, ये सारे ऐशा मस्जिद जाने वाली बसें हैं जो आपको फ्री में लेके चाहिए। वो देखो आज यहाँ सारे खड़े हैं, वहाँ वेट कर रहे हैं भाई, बस यहाँ बैठे हैं। ये बस नंबर आप देख सकते हो 2 नंबर है, किसी में 12 नंबर है, किसी 9 नंबर है, वही ट्रैक है इनका ट्रैक, यहाँ पे आप आओगे ना, यहाँ पे आप लोग आओगे यहीं से आप लोग मस्जिद ऐशा की तरफ चले जाना, अपना वो टूर है, यहाँ पे फास्ती हैं गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, वो जाने वाली हैं, वो अभी यहाँ जो गाड़ी आएगी हम उसमें बैठेंगे, उसमें जाएंगे, सारे इंतज़ार कर रहे हैं। बस नंबर ना 12 है मस्जिद ऐशा जो जाती है, ऐसे नहीं आप किसी और बस में इसमें नंबर लिखे हुए आ रहे होते हैं, बस नंबर 12 है उसमें आपको बैठ के जाना। ये 12 नंबर इस पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा हो, फ्रंट पे लिखा हुआ था 12 नंबर, ये मस्जिद ऐशा बैक में भी लिखा हुआ है, ये जाएंगी मस्जिद ऐशा इनकी देख लें 12 नंबर। पूरी पूरी भरी बस सर, हम बैठ चुके हैं, अब आप लोगों से मिलेंगे वहीं से मुझे ऐसे में। और क्या आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पहुँच रहे हैं हमारे को ना कम से कम 7 मिनट या 10 मिनट लगे हैं, और अभी यहाँ पे जाएंगे अंदर नियत बांधेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे, और जो लोग यहाँ पे आराम वगैरह पहने के लिए वो अंदर ही जाके आराम अपना चेंज करेंगे। चलो हम भी जाते हैं, हम भी आ ही गए तो नियत भी बांध ही देते हैं। वो बस है जिस बस में अभी हम आए हैं, वो बस है वो भी चली जाएगी, खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह ये भी है। ये अंदर 2 नफर पढ़ रहे हैं, एक सारे 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं, वो यहाँ से पूरा जगह तक करेंगे। हमने अभी 2 रकात नफल पढ़ लिए और अभी हम जिस तरह हैं उसी तरह वापस जाएंगे, दूसरी बस में ही जाएंगे जिस बस में हैं, और अब तक हम चलते हैं उसी बस में बैठते हैं वापस जाते हैं अपने वापसी उसी अड्डे पे जहाँ से हम आए। सामने खड़ी भी सेम बैठ के वापस ही जाना है। हम पहुंच चुके हैं, हमारी गाड़ी यही जिस बस में मैं पीछे ही खड़ी हुई है, और हम अभी हम जाएंगे जहाँ से हम गए थे वहीं वापस हम आए, हम यहीं से वापस इसी रोड से वापस जाएंगे वहीं पे, और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और तो अपना ख्याल रखिए, ओके अल्लाह हाफ़िज़।